कर रहे हैं। अब टेस्टिंग के नाम पर हम लोग के साथ धोखा किया गया है, ग्रामीण के साथ धोखा है, ऐसा धोखा नहीं होना चाहिए था। दो किलोमीटर है, दो किलोमीटर का नहाने का कोई किचोट, बहुत पहाड़ पर्वत दो चारटा है वहाँ किचोट आ लगे है, और हमरे बहुत किचोट, हमरे बहुत पानी कर, बहुत हमरे कर ई मरणती दशा को मूर्ख बनाते हैं कि हाँ बना देंगे, हो जाएगा, चालू हो जाएगा, लेकिन अभी तक दो साल में नहीं हुआ, क्या होगा? अब देखिए अभी चुनाव आ रहा है, फिर आएंगे बोलेगा कि हाँ बन जाएगा अभी, और ऐसे वोट ले लेंगे फिर चले जाएंगे। अच्छा, क्या लाया और पानी निकाल के यहाँ का औरत लोग को छनवाया और बोल दिया कि हाँ अब आ जाएगा पानी। अच्छा, अब तैयार हो जाएगा, अब बस मुंह में तैयार हो गया सबके कागज में भी तैयार। विधानसभा के अंदर बसंतपुर पंचायत के बुनियादारू गांव में है, और यहाँ पे जिस तरह से लोगों का एक सवाल था कि यहाँ पे जो है पानी का समस्या जो है बहुत देखने को मिल रहा है, हालांकि झारखंड हो या पूरे भारत में एक योजना चला था कि हर घर तक पानी पहुंचेगा, और वो योजना जो है 2019 में चालू हुआ था, 2024 तक जो है वो योजना को लाभ हर एक परिवार को मिलना था, लेकिन 2024 का जो है आधा टाइम जो है बीत चुका है, और सिल्ली विधानसभा के इस बसंतपुर पंचायत के बुनियादारू गाँव में जो है अभी तक पानी नहीं पहुँचा है, और पानी नहीं पहुंचने का कारण ये है कि यहाँ पे टंकी का निर्माण जो है वो, सच्चाई ये है कि यहाँ से पानी नहीं निकल रहा है। ग्रामीण है, ग्रामीणों से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ दादा? निरंजन महाजन। अच्छा, आप लोग का गांव का एक समस्या जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडियाओं में ही चर्चा रहा, और हर जगह पे जो है पानी जो नल जो घर जल नल योजना जो था वो हर घरों तक पहुँचना था, आपके गाँव में पहुँचा है कि नहीं? हमारा गांव में कहाँ पहुँचा है, अभी तक टंकी तैयार नहीं है। टंकी तैयार तो पानी कैसे पहुँचेगा? कितना दिनों से ये सब हो रहा है? ये एक साल भर हो रहा है। आपके यहाँ के विधायक महोदय तो कहते हैं कि हम हर घर में जल जो है पहुंचा नहीं, यहाँ कोई नहीं विधायक, ना देखने आता है ना पूछने आता है, कभी बाई चांस कोई आ गया उसको कोई रिपोर्ट भी किए तो हाँ बन जाएगा, बस मुँह में बन गया। अच्छा, मतलब खाली मुँह में होता है? हाँ, मुँह में होता है। अच्छा, पानी के लिए कितना समस्या होता है? बहुत समस्या है पानी के लिए। तो ये टंकी तो आप लोग का बना हुआ है, बना भी नहीं हुआ है, और उधर जो नल जो लगाया गया है वो नल बन के तैयार है, वो तो नल वो कागज में बना लिया होगा लेकिन यहाँ तो बना नहीं है, सरोजा डाला और पाइप को पाइप से मिलाया और पानी निकाल के यहाँ का औरत लोग को छनवाया और बोल दिया कि हाँ अब आ जाएगा पानी। अच्छा, अब तैयार हो जाएगा, अब बस मुँह में तैयार हो गया कागज में भी तैयार कर दिया लोग। अच्छा अच्छा, और भी दादा लोग हैं, क्या नाम होता था आपका? कृष्णा जाम। जिस तरह से आपके ग्रामीण में जो ग्राम जो ग्रामीण जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे नल लगाया गया है, टंकी नहीं बना है, और पानी का सर्कुलेशन जो है नहीं हो रहा है, तो ये जो संज्ञान में आया आप लोग का जब टंकी बना नहीं और नल लगाने दिए आप लोग, तो उस टाइम पे सवाल खड़ा नहीं किए? सवाल तो हम लोग खड़ा किए थे, उन लोग से पूछा भी किया, लेकिन वो लोग बोला कि काम चालू हो जाएगा। अच्छा, सब हो ही रहा है काम, और लोग टेस्टिंग के नाम पर यहाँ से बोरिंग से पाइप उप लगाया, फिर वहाँ घर में जाके प्रत्येक घर में कोई रहे चाहे न रहे बिना पूछे भी वो लोग बाल्टी ले जाके पानी रखा, अपने से खुद स्वयं रखा। अच्छा, उसके बाद फोटो लिया, और फोटो के बाद हम लोग एक दो आदमी को बात बोले भी वो लोग चीज़ को कि इस तरह का क्यों किया गया, लेकिन वो लोग बोला कि नहीं, लोग हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, अब टेस्टिंग के नाम पर हम लोग के साथ धोखा किया गया है, ग्रामीण के साथ धोखा है, ऐसा धोखा नहीं होना चाहिए था। सही बात है, तो आपके आमने सामने का ग्रामीण को मिल जाता है पानी? सब जगह मिल रहा है, दूसरे गाँव में, हम लोग के गाँव में सिर्फ नहीं मिल रहा है, बुंदियारू में। अच्छा, बसंतपुर पंचायत के एक ही गाँव में नहीं मिल? जी हाँ, बसंत पंचायत का सिर्फ बुंदियारू गांव है जो यहां पर हम लोग को उपलब्ध नहीं है पानी, जबकि सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम जो था वो अभी तक नहीं बना है हम लोग के यहां पर। 2024 तक हर घर तक पहुंचना था लेकिन नहीं पहुंचा है आप लोग ना? जी। अच्छा, क्या लगता है कि दादा इसमें क्या हो सकता है, कि पैसा का धोखाधड़ी हुआ है कि कोई जानबूझ के नहीं? ये धोखाधड़ी हुआ है। कौन कर सकता है इस तरह का काम? कोई मतलब जो ठेकेदार किया है या कोई उस तरह का कोई भी आदमी पदाधिकारी? ठेकेदारी किया है। ठेकेदारी किया है? हाँ, ठेकेदारी का ही कमजोरी होगा इसलिए काम नहीं हो पाया। अच्छा अच्छा, क्या लगता है कि दादा आप लोग ग्रामीण जो है एकजुटता से पानी का जो जनरल योजना जो था उसको लेकर लगातार पहले भी आप लोग को देखा गया था, लेकिन संज्ञान में कोई नेता मंत्री नहीं आ रहे हैं, वोट के टाइम तो आते हैं? वोट के टाइम तो बहुत बड़ा बड़ा भाषण दे के चल जाते हैं और ऊपर का चांद जो है हाथ में पकड़ा देते हैं। अच्छा, लेकिन जब यहाँ फील्ड में जब आते हैं गाँव कोई योजना आता है तो देखने वाला कहीं नहीं होता, और देखने वाला भी है आदमी, जैसे हम लोग के गाँव में जो देहात में होता है कि मुखिया को हम लोग माने प्रतिनिधि चुने हैं, लेकिन वो भी ध्यान नहीं दे रहा है, क्या काम चल रहा है मेरा क्षेत्र में उसको देखना चाहिए।
सही बात है, है? कितना कितना दिन, मतलब कितना परिवार है इस गांव में, कितना इस गांव में मोटा मोटी तो मैंने हजार मैंने ये है मैंने वोटर है। अच्छा परिवार होगा 250-300? हाँ 250-300 मतलब इस ज्यादा होगा, वोटर है हजार तो हो रहा है। हाँ मतलब परिवार होगा 250-300? हाँ हो सकता है इतना। अच्छा तो मतलब क्या लगता है कि इसको लेकर गांव में एक ही चप्पा चल रहा है अभी? अच्छा और वो आधा गांव को मेंटेन कर रहा है और ये चलेगा तो मैंने हम लोग को मैंने बहुत सलित होगा। पानी का इतना दिक्कत है यहाँ बुंदियारू में कि नदी हम लोग के सामने नहीं आया, वो भी 1-2 किलोमीटर के अंदर है। अच्छा अच्छा वहाँ जा करके नहाना धोना खाना पीना पीने का भी पानी लाते हैं वहाँ से नदी से। लोकसभा चुनाव पार हुआ उस टाइम पर बहुत सारे नेता मंत्री आए होंगे, नहीं बोले थे? देखिए जो ठेकेदार था वो बोल रहा था कि नहीं यहाँ मैंने काम तो चल रहा है, देखिए ना। अच्छा काम चल ही रहा है। काम चल रहा है लेकिन जब मैंने इलेक्शन के आगे एक बार यहाँ क्या हो रहा था उस समय 2-3 दिन के अंदर इसको बनाया। अच्छा, थोड़ा सा उठाया पिलर को, पिलर को उठाया हाँ। और बाद में छोड़ दिया। अच्छा, मैंने उसको मैंने शायद दबाव पड़ा होगा और उसके बाद छोड़ दिया तो अभी भी छोड़ा हुआ है। अच्छा दादा क्या चाहते हैं आप, ग्रामीण क्या चाहते हैं बताइए? ग्रामीण यही चाहते हैं कि हम लोग को पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, एकदम पानी बहुत जरूरी है। तो इसको लेकर जो है आप लोग का मुखिया हो ग्राम सचिव जो है यहाँ पे जितना भी जिला परिषद वगैरह लोग काम नहीं कर रहे हैं आप लोग के लिए? देखिए काम तो मुद्दा जनमुद्दा को उठाना चाहिए। नहीं नहीं पहले तो जनमुद्दा नहीं उठाया है, यहाँ उठाने वाला कोई नहीं है। अच्छा अभी यही जो है क्या नाम है इसका कलेसर बड़ा यही उठाए हैं। चलिए और भी बात करेंगे, कलेसर इधर आइए। क्या लगता है कि ग्रामीणों के मुद्दा के साथ आप लोग जो है अभी फाइट करने के लिए तैयार हैं? मतलब ये चीज़ें जब हो रही थी साल भर का मुद्दा जो है यहाँ पे अटका हुआ है तो क्या लगता है कि ये कहाँ किसका साजिश हो सकता है? हम तो ये नहीं बता पाएंगे लेकिन हमको लगता है ये ठेकेदार का होगा, किसको दिया वही प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है वो अपना देखते हैं, देखेंगे कभी जांच करने कभी वो आते नहीं किसी को पूछते नहीं है, मुखिया भी कभी देखने नहीं आ रहे हैं, फिर हम लोग जो प्रमुख है वो भी नहीं आ रहे हैं। अब वर्तमान जो हम लोग विधायक है उसका तो बात ही कुछ अलग है। अच्छा उसका सिस्टम तो क्या लगता है कि ये वोट बैंकिंग बनाने का एक जरिया होता है कि ये एजेंडे को जो है चुनाव के टाइम रखा जाए? ये वोट बैंकिंग का जरिया है। एक बार हम आए हुए लोकसभा चुनाव से पहले 2-3 दिन काम चल रहा था, जैसे लोकसभा चुनाव होगा फिर काम देखिए देख रहे हैं तो दिख रहे हैं फिर बंद हो गया। फिर चलिए आपसे फिर बातें करेंगे दादा, हमारे बीच जो है एक समाज सेवी दाएँ, क्या नाम हुआ दादा आपका? मेरा अनिल सिंह मुंडा नाम है। अच्छा क्या लगता है ग्रामीणों का तमाम लोगों का ये कहना है कि हम लोग को टंकी भी नहीं बना है लेकिन नल जो है तैयार हो गया है और पानी का समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इसको लेकर आप क्या करें, एक समाज के लिए आईना बनते हैं? पानी का समस्या निश्चित रूप से यहाँ पर है, यहाँ का गाँव का महिलाएँ 1 किलोमीटर दूर जाके नदी से पानी लाते हैं, अभी तो बारिश के दिन में अभी गंदा पानी आ रहा है लेकिन मजबूरी है क्या करेंगे, ये लोग लाते हैं। चापाकल भी एक है, हम पता किए तो एक ही है, उसी में पूरा गांव का आदमी निर्भर है तो दिक्कत है यहाँ पे। तो इस दिक्कत का समाधान कैसे होगा, उसको लेकर आप कुछ कर रहे हैं? नहीं देखिए यहाँ पे यहाँ पर करीब 6 महीना पहले एक बार हम फिर आए थे जी। उस समय भी यही मुद्दा उठाए थे कि यहाँ पे ठेकेदार को मैंने जितना जल्दी हो सके बनाने के लिए निवेदन किया जाए। हमने सांसद महोदय से भी बात किया था, वीडियो से भी बात किए थे लेकिन हाँ बन जाएगा बोले लेकिन हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या ठेकेदार क्या किया है कि सोलार जो है इसको लगा दिया था, आधा घंटा के लिए लगाया, पानी को सर्कुलेशन किया, लेडीज लोग या कुछ अपने स्टाफ लोग से वहाँ पे दिखाया कि हाँ पानी आ रहा है, ऐसा करके फोटो वीडियो बनाया और उसके बाद छोड़ दिया। मतलब अपना फॉर्मेलिटी निभा लिया, अपना फॉर्मेलिटी निभाया। कोई गांव वाला कोई पूछा भी क्या हो रहा है क्या कर रहे हैं, नहीं बोले टेस्टिंग हो रहा है। अच्छा टेस्टिंग हो रहा है, टेस्टिंग हो जाने के बाद वो बनेगा। तो ग्राम मतलब ये जो बालू उलू है सब इन्हीं टंकी बनने के लिए? हाँ टंकी बनने के लिए। अरे ये 2022 से है, 2 साल हो गया अभी तक, लेकिन अभी तक बना नहीं है। ये सभी का गलती है, जनप्रतिनिधि का गलती है, प्रशासन का भी गलती है और गाँव के आदमी को मूर्ख बनाते हैं कि हाँ बना देंगे हो जाएगा चालू हो जाएगा लेकिन अभी तक 2 साल में नहीं हुआ, क्या होगा अब देखिए। अभी चुनाव आ रहा है, फिर आएंगे बोलेंगे कि हाँ बन जाएगा अभी और ऐसे वोट ले लेंगे फिर चले जाएंगे। अच्छा क्या लगता है कि आमने सामने वाले गांव में जो है पानी का एक सही तरह से सुचारू ढंग से चल रहा है लेकिन आप ही के गाँव में इसी गाँव में जो है नहीं हो रहा है, तो इसको कैसे देखा जाए? ये देखा जाए तो इस गाँव को थोड़ा सा निगलेक्ट किया जा रहा है चूँकि दोनों तरफ नदी है और उतना ये आदमी लोग जो भी जनप्रतिनिधि हैं उतना यहाँ पे आते नहीं है, नहीं के बराबर ही आते हैं। जब वोट के समय देखिएगा वो आएंगे आपको लगेगा ठीक है आपका जो भी समस्या है हम लोग उसका हल करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर
यहाँ अगर कोई जनप्रतिनिधि चाहे तो घर बैठे भी कर सकता, सीधे ब्लॉक में बोल देंगे कि भाई यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है काम, ठेकेदार को भी बोल सकते हैं तो तुरंत आके बनेगा। लेकिन यहाँ पे जानबूझकर भी कैसा ये किया जा रहा है ताकि गांव थोड़ा बैकवर्ड रहे। आप रास्ता में जाइएगा, रास्ता एकदम टूटा फूटा हुआ है, आपको मोटरसाइकिल नहीं चला सकते हैं, फोर व्हीलर का रास्ता छोड़ दीजिए, इधर जाइए तो इधर तो पैदल नहीं चल सकते, इतना कादा कीचड़ हो जाता है। अच्छा दादा, एक लास्ट सवाल रहेगा, जनता के लिए आप काम करते हैं, हमेशा समाज के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं, इस गांव के लिए क्या करने जा रहे हैं आगे, किससे किससे मुलाकात करिएगा, वीडियो वीडियो से संज्ञान में लेने की कोई बात हो रही है? ये हम इस मैटर पे हम वीडियो से भी मुलाकात करेंगे और हमारा अभी जो माननीय रक्षा मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और यहां का समस्या जो है उसको हम बताएंगे और हम निवेदन करेंगे कि जितना जल्दी हो सके यहां का समस्या दूर हो जाए। चलिए बहुत बहुत। और भी ग्रामीण है क्या चाहते हैं चाचा, नल बने ना, क्या हालत हो रही है? नल तो चाहिए चाहिए, पानी आना चाहिए, बस पानी आना चाहिए। अच्छा, पानी आने के बहुत तकलीफ है लगी ही। हाँ। हमरे नदी नाला 2 किलोमीटर है। हाँ। 2 किलोमीटर का नहाने का कोई कीचोट, बहुत पहाड़ पर्वत 2-4 है वहाँ कीचोट आ लगी है और हमरे बहुत कीचोट, हमरे बहुत पानी कर बहुत हमरे कर ये मरंती दशा है, ना पिए कर होला ना नहान के सीने कुछ कर हमरे कर बहुत अधूरा है लगी है। टकते हैं हमरे कोनो कुछ हमरे जो सुना है तेकर बन जे ना के को पूछी तेकर के बड़े बड़े वार्ड हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं, ई हैं, जाके वार्ड मुखिया कहते हैं जो हाँ बनी हाँ बनी हाँ बनी के साहब कहाँ कुछ आ रहा है बनते रहे लार, यहाँ सब मजदूरी सब खराब है। अच्छा, तो तुम्हारे चाहला कि पानी उन्हें सही से, पानी उन्हें सही चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम चीज़ों की जानकारी आपको हम हर एक बार देना चाहेंगे, देख सकते हैं ये जो है टंकी है और टंकी को बनाने के लिए जो है बालू गिट्टी सब कुछ है यहाँ पे रखा गया है, लेकिन टंकी जो है अभी भी नहीं बना है और इसका दूसरा पार्ट जो है नल जो है बन के तैयार है लेकिन टंकी बना हुआ नहीं है। अब ये तो एक कौन सा इंजीनियर ने इसका बनाया है कि टंकी नहीं बनते हुए भी उसका नल को है जो वहाँ पे दिया गया है ताकि पानी आ जा सके, लेकिन उस तरह का कोई भी घटनाक्रम यहाँ पे सामने नहीं हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी का सुचारू ढंग से होना चाहिए क्योंकि पानी का समस्या बहुत बड़ा समस्या है और टंकी को भी बहुत जल्द बनाने चाहिए। यहाँ पे तमाम स्थानीय विधायक से भी हम अपील करना चाहेंगे, सांसद से भी अपील करना चाहेंगे, तमाम समाज से भी वर्ग के लोगों से भी हम अपील करना चाहेंगे कि इस पर संज्ञान लिया जाए। बने रहे, देखते रहिए। चौहान नमस्कार।